अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां शहर के सिरमौर रोड पर बरसों पहले बनी दुकानें गिराए जाने की प्रक्रिया शुरू होने से व्यापारी आक्रोशित हैं। शुक्रवार को व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के शासकीय आवास पहुंचा और अपनी समस्याएं सुनाई। इसके पहले भी व्यापारियों ने विधायक, महापौर, कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगे बता चुके हैं। व्यापारियों की मांग है कि सिरमौर चौराहे से बनाया जाने वाला फ्लाईओवर उनकी दुकानों की जद में आएगा, इस कारण उन्हें दुकानें हटाने का नोटिस दिया गया है। करीब सैकड़ा भर दुकानें हटाकर उनका दूसरी दिशा के द्वार बनाते हुए फिर से निर्माण करने की बात कही गई है। इसी के चलते व्यापारियों का कहना है कि इससे उनकी दुकानों का कारोबार प्रभावित होगा। दुकानदारों ने बताया कि 1984 में नो प्रॉफिट नो लॉस पर दुकानें बनाकर उन्हें मिली थी, जब से वह अपना यहां कारोबार कर रहे हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने व्यापारियों की मांग को जायज बताते हुए कलेक्टर से बात की है और व्यापारियों के हित में कदम उठाने का आश्वासन दिया है। आइए आपको सुनाते हैं व्यापारियों ने क्या जानकारी दी है। विधानसभा अध्यक्ष जी ने कलेक्टर महोदय से बात किया है और उन्होंने बताया है कि जो दुकानदार की मांग है वो न्यायोचित है और दुकानें जहां हैं वहीं रहनी चाहिए। अगर आपको बनाना है तो उसके पीछे नई दुकान बना के दीजिए। इस बात जिलाध्यक्ष महोदय से उनसे कहा है। हम लोग विधायक जी, जिलाध्यक्ष, नगर निगम आयुक्त सबसे मिल चुके हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष जी से भेंट किया तो निवेदन है कि आप सब लोग इस बात को बराबर प्रसारित कर रहे हैं अपने चैनलों के माध्यम से और न्याय में आप सब साथ दे रहे हैं। हम लोग आगे तक लड़ाई लड़ेंगे अपने हक के लिए। बिल्कुल पूरी होगी साहब। देखिए, जनता के आगे प्रशासन को झुकना पड़ता है, पहले भी झुक चुका है। पहले भी आपको बताएं 84 में ये दुकानें बनी थी नो लॉस नो प्रॉफिट पे। उसमें सुधार न्यास का, पहले ये न्यास बाजार इसका नाम था, अब फिर नगर निगम में मर्ज हुआ सुधार न्यास। उस समय 12,500 कीमत थी। हम लोगों ने 9,000 रुपए बैंक से फाइनेंस करवाया था। संपत राम कमिश्नर थे उस समय। अभी विधानसभा अध्यक्ष जी ने क्या जवाब दिया? विधानसभा अध्यक्ष जी ने बोला कि दुकानें नहीं हटेंगी, कलेक्टर से उन्होंने बात किया है। अब आगे जो भी प्रक्रिया है, एक आध दिन में जो भी समझ आएगा अपन लोग करेंगे। विकास पुरुष जी के यहाँ हम लोग गए थे परसों, उनसे हम लोगों ने, पूरे दुकानदार 100 दुकानदार थे, हमने अनुरोध किया कि आप विकास करें, फ्लाईओवर जनता के हित में बनना चाहिए, इस पे हमारा कोई अड़ंगा नहीं। पर हमारा निवेदन इस बात का है कि गरीबों के पेट में लात मार के अमीरों को आप कोई भी ऐसा आयोजन न करिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया, पहले तो उन्होंने घुमाया कि ये फ्लाईओवर बनेगा, ये विकास होगा, फब्बारा बनेगा, फलाना होगा। हम का खूब फब्बारा देख चुके हैं। निवेदन इस बात का है कि आप फ्लाईओवर बनाइए, जो भी विकास करना हो करिए, पर गरीबों के पेट में लात मार के विकास मत करिए। तो उन्होंने एक दो दिन का समय बोले कलेक्टर से बात करते हैं। फिर हमने कलेक्टर महोदय से भी इस बात किया, उन्होंने कहा कि मैं चर्चा कर लेता हूं। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया